मुगल वंश अपन पढ़ रहे थे, मतलब आज से स्टार्ट करेंगे अपन, तो ऐसा माना जाता है कि मुगल वंश का संस्थापक जो है वो कौन को माना गया है? बाबर को। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना गया है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर जो है, तो बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना गया है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा, ठीक है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। ऐसा माना जाता है कि बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था। कौन सा वंशज? तैमूर का। और माँ की तरफ से चंगेज का वंशज था, ठीक है ना। माँ की तरफ से चंगेज का 14वां वंशज था और पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था। इसलिए ऐसा माना गया है कि बाबर के शरीर में विश्व की दो प्रमुख खुखार जाति का रक्त बह रहा है। और जब ये खुखार थे और ये जो है इनका पुत्र है, मतलब उनका वंशज है, तो ये भी एक खुखार व्यक्ति होगा, ठीक है ना। तो ऐसा माना गया है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। फरगाना में इसका जन्म हुआ था। अपन विश्व इतिहास देख रहे हैं अभी थोड़ा सा, तो फरगाना में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि तैमूर वंशज थे। उसकी माँ जो थी वो चंगेज वंशज थी, 14वां वंशज था इसका, पिता की तरफ से 5वां वंशज था। इसके पिता का शासन फरगाना के अंदिजान में चल रहा था। जो फरगाना का अंदिजान एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, वहां के ये शासक हुआ करते थे इसके पिता। तो ऐसा माना गया है कि इसके पिता के जो थे व्यवहार, वो रिश्तेदारों से कुछ खास नहीं थे। इसीलिए ऐसा माना गया है कि उमर शेख मिर्जा की उसके सालों ने, मतलब साले मतलब बाबर के मामा, ठीक है ना। ऐसा माना गया है कि उमर शेख मिर्जा के दो साले थे, तो दोनों साले ने इसकी उमर शेख मिर्जा की हत्या कर दी थी। इस समय बाबर की उम्र जो है वो मात्र 11 साल की थी, मतलब 11 साल की उम्र में उसके पिता की हत्या कर दी। हालांकि बाबर जो था वो एक योग्य व्यक्ति था। योग्य व्यक्ति ऐसा था कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है अपने को, ठीक है ना। 7 साल की उम्र में घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण हो गया था। ऐसा मानते हैं कि 7 साल की उम्र में बाबर जो है वो घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण हो गया था। और आजकल के बच्चे देखते हैं ना अपन, 7 साल की उम्र में क्या मांगते हैं? टिफिन में बिस्किट और पोहे, अपने पापा पोहे और समोसे, एक समोसे भी रख देना साथ में, ठीक है ना। तो आजकल के बच्चे ये थे। और ये 7 साल की उम्र में घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण हो गया है, पढ़ाई लिखाई को सब बढ़िया चल रहा छोड़ के उसको सब बढ़िया चल रहा था, एक योग्य शासक था। कोई भी नशा करवा लो फेल नहीं हो रहा है बाबर। चीलम भुगवा लो, शाम को बिठवा लो हल्के अंधेरे में, कोई भी नशा करवा लो बाबर फेल नहीं हो रहा है, सब पास, ठीक है ना। ये एक योग्य व्यक्ति था। जैसे ही इसको पता लगा बाबर को कि मेरे पिता की हत्या कर दी किसने? मेरे मामा उनने, ठीक है ना। 11 साल की उम्र है, सीधे अपने मामा के पास गया और दोनों मामा को मार के खुद अब बन गया है यहाँ पे शासक, मतलब फरगना का जो है शासक बन गया है। कितने साल की उम्र में? 11 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में जो है फरगना का शासक बन गया है। मगर ये अपने छोटे से साम्राज्य से दुखी है। ऐसा मानता है कि भैया इतने से साम्राज्य में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने अपने तैमूर वंशज और चंगेज वंशज की कहानियां सुन रखी हैं कि तैमूर और चंगेज जो थे वो विश्व विजय के लिए निकले थे और इन्हें भारत तक कब्जा कर चुका था। अपन ने देखा ना तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत में, ठीक है ना। तो ये विश्व विजय के लिए निकले थे, तो मैं इतने छोटे से शासक क्यों रहूं? इसलिए इसकी भी इच्छा रही थी कि बड़ा साम्राज्य करूं। इसलिए इसने सबसे पहले 11 वर्ष के बाद 14 वर्ष की उम्र में अंदिजान पर सबसे पहले इसने आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था इसने? अंदिजान। फरगाना की एक छोटा सा शासन था अंदिजान, जहाँ पे इसने आक्रमण किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण किया इसने, तो पहली बार यहाँ का शासक बना और 100 दिन तक यहाँ पे शासन किया इसने। कितने दिन तक शासन किया था? 100 दिन तक इसमें यहाँ पे उनने राज किया। मगर हुआ क्या था कि यहाँ का एक शासक जो था जिसका नाम था सेफानी खान, सेवानी खान, ये उज्बेक जाति का था, ठीक है ना। सेवानी खान जो है वो कौन सी जाति का था? उज्बेक जाति का था। तो इस सेवानी खान ने बाबर के ऊपर आक्रमण किया और इसको चारों तरफ से घेर लिया। बाबर जब अंदर
शासन कर रहा था महल में बैठ के, तब सेफानी खान ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। बावर के पास उसके सैनिक जाते हैं और बोलते हैं, शासक हमको तो घेर लिए चारों तरफ से। बावर बोलता, कोई बात नहीं, एक पैक बना। बाटर लटर रखी, इतनी बड़ी है, मेरे पास भी रखी है। तो उन्होंने कहा, एक पैक बना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उन्होंने कहा, पैक की बात करो, बाहर सेफानी खान खड़ा। उन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हल्का नशा करने के बाद जैसे ही बाहर निकला ये, तो सेफानी खान की सेना को आधे काटते हुए ये जंगलों में भाग गया। पहली बार उन्होंने आंधी जान पे शासन किया। कितने दिन तक शासन चला उसका? सिर्फ 100 दिन तक, ठीक है, 14 साल की उम्र में। 3 साल बाद उसका दूसरी बार आक्रमण होता है वहीं पे आंधी जान पे, और दूसरी बार जब आक्रमण किया उसने, फिर जीत लिया वो, मगर इस बार सिर्फ 8 माह शासन कर पाया वो। इस बार कितने माह शासन कर रहा? 8 माह, ठीक है ना। पहली बार उसने शासक बना वो, तो सिर्फ 100 दिन शासक बना। दूसरी बार आक्रमण किया और वो जीत भी गया, ठीक है, मगर इस बार भी उसने सिर्फ 8 माह ही शासन कर पाया। क्यों? क्योंकि ये फिर सेना लेके आ जाता था। इस बार तो क्या किया इसने कि पूरे महल को चारों तरफ से घेरने के साथ में जिस रास्ते से बावर भागा था उस रास्ते पे भी उसने 10 किलोमीटर तक पूरी सेना खड़ी कर दी। अब भाग के बता, सैनिक टेंशन में, उनने कहा भाई इस बार तो घेरा तो डाल ही उनने, साथ में पूरा जाल बिछा दिया, आप भागने का रास्ता ही बंद कर दिया। उनने, कोई बात नहीं, इस बार एक पैक ज्यादा बना ले। बात वही है, एक पैक ज्यादा, उनने कहा ठीक है। फिर थोड़ा सा हल्का नशा करने का जब निकला वो, तो इस बार फिर भाग के जंगल में भटक गया। मतलब 2 बार यहाँ पे उसने शासन किया मगर दोनों बार वो विफल रहा। दोनों बार बाबर का मंजस उतार गया। एक बार उसने शासन किया 100 दिन तक किया, दूसरी बार किया उसने 8 माह तक किया, ठीक है ना। जब ये आंधी जान से निकल के जंगल में भटक रहा था, तब इसको एक खबर मिलती है, ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि इसका चाचा जो है, जो काबुल में शासन कर रहा था, तो इसका चाचा मर गया और लड़का जो था इसका, मतलब चाचा का लड़का जो था वो बीई करा हुआ था। क्या करा हुआ था? बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो बीई करा हुआ था और इसकी जो बहन थी चाचा की लड़की, वो मुगी मार्गों के साथ भाग गई। ऐसी खबर मिल गई इसको, बाबर को। बाबर को ये जंगल में जब भटक रहा था तब इसको खबर मिली कि चाचा खत्म हो गए हैं और लड़का जो है वो बी करा हुआ है, कोई काम का नहीं, और उसकी बहन जो है वो मुगी मार्गों के साथ भाग गई। उनने कही, ये काबुल की राजनीति में, दुर्बल राजनीति में हस्तक्षेप करने का बढ़िया मौका मिला है, ठीक है ना, बढ़िया मौका मिला है कि काबुल की राजनीति में हस्तक्षेप करो, ठीक है। अब एक समय ऐसा है कि वो जंगलों में भटक रहा है, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को, ताड़ी से काम चलाना पड़ रहा है। जैसे ही खबर मिली तो काबुल गया। काबुल में जाते से जो चाचा का लड़का था उसका नाम था अब्दुल रज्जाक खां, अब्दुल रजाक, चाचा के लड़के का नाम था अब्दुल रजाक खां। तो ये वहाँ सफ़ेद रुमाल लेके रो रहा था। उनने कहा, पापा मर गए हैं और बहन भाग गई है, अब क्या करूँ। उनने कहा, तेरे जीने का कोई काम नहीं। बाबर ने इसी गर्दन काट के हत्या कर दी, मुगी मार्गों को पकड़ा, मुगी मार्गों की भी हत्या कर दी, और अब ये बन गया कहाँ का शासक? काबुल का। काबुल का ये शासक बन गया है। बाबर इस समय कहाँ पे है? काबुल में। काबुल में शासक है ये, और मगर इसका अभी भी मन नहीं लग रहा है। क्यों मन नहीं लग रहा है? क्योंकि इसकी इच्छा क्या की थी? फरगना। इसकी इच्छा थी कि मैं शासक बनूंगा तो आंधी जान की बनूंगा, फरगना का बनूंगा, नहीं तो कोई काम का नहीं। हालांकि पूरा काबुल इसके पास है, काबुल का शासक है ये, मगर फिर भी इसका मन नहीं लग रहा है। क्यों? गम है इसको। का क्या गम है? फरगना का, हमने और कहीं का गम हो, ठीक है ना, फरगना का इसको गम है। और इसकी एक खासियत थी कि ये शराब पीता था, तो शराब सिर्फ एक ही जगह की पीता था, गजनी की, और कहीं की नहीं पीना, और कहीं की चलती नहीं, एक ही ब्रांड होना, कौन सा ब्रांड? गजनी। हाँ, एक गजनी ब्रांड चलता था, ठीक है ना, जो गजनी एक था ना राज्य, तो गजनी की शराब पीता था वो। तभी भी इसको गम है कि भाई मेरे को फरगाना नहीं मिल रहा है, काबुल से असंतुष्ट है, तो ये गम में ज़्यादा पीने लगा था। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, और गम कहाँ का है? फरगना का। ऐसा है, कभी कभी पी लेते होंगे तुम भी, सुन थोड़ी बहुत, हाँ ठीक है ना। तो पीने का शौक नहीं है, पीता हूँ गम बुलाने के लिए, गम है फरगना का। जब ये काबुल में शासन कर रहा था तभी इसको पता लगता है, ब्रेकिंग न्यूज एक और मिलती है कि भाई जो सेफानी खां था, तो सेफानी खां जो है वो मुठभेड़ में मारा गया।
अब मुठभेड़ में मारा गया तो इसको पता लगा कि मुठभेड़ में सेफानी का मर गया, अब अच्छा मौका है मेरे को यहाँ पे शासन करने का, ठीक है ना। किसने मारा इसको? तो शाह इस्माइल एक ईरान का शासक था। शाह इस्माइल एक शासक था ईरान का, उसके साथ ये युद्ध करते हुए मारा गया। तो बाबर ये करता है, बाबर जाता है सीधे ईरान और ईरान में शाह इस्माइल से मिलता है। उनने कहा बात ऐसी है कि ये मेरे को चाहिए, तुम्हारे पास तो ये पूरा रखा है, अब बताओ क्या करना है। तो इन दोनों की संधि हो जाती है, कौन कौन की? शाह इस्माइल की और बाबर की। शाह इस्माइल और बाबर दोनों संधि कर लेते हैं और संधि में शाह इस्माइल बोलता है, उनने कहा जाओ तुमको दिया पूरा फरगाना, ठीक है। अब ये बाबर जो है वो फरगाना में आकर के शासक बन गया है। अब इसको कोई दिक्कत है कि यहाँ की जगह शासक बन गया? मगर फिर भी दिक्कत आई। क्यों दिक्कत आई? क्योंकि जो बाबर था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान, बाबर कौन सा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान था। और जो शाह इस्माइल था वो सिया मुसलमान था। मुसलमान में दो चलते हैं ना, एक सुन्नी चलता और एक सिया चलता, ठीक है ना। तो बाबर जो था वो सुन्नी मुसलमान था और शाह इस्माइल जो था सिया मुसलमान था। फरगाना की जो जनता थी वो पूरी सुन्नी मुसलमान थी, ठीक है ना। तो अब फरगाना की जनता में एक ऐसी आवाज चली गई है कि भाई जो हमारा बाबर है, मतलब जो हमारा शासक है, वो शाह इस्माइल से संधि करके आया है, अर्थात सिया मुसलमानों से मिला हुआ है और ये सिया मुसलमानों की कठपुतली है। तो कोई भी सुन्नी मुसलमान सिया मुसलमान के नीचे रहना नहीं पसंद करता है। इसलिए फरगाना की पूरी जो जाति थी, बच्चा बच्चा 3 साल का बच्चा भी हाथ में तलवार लेके घूम रहा है, बाबर मिली जाए बस अब तो काट दूंगा। पूरी जाति ने, पूरे सुन्नी मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया बाबर के खिलाफ। 3 साल का बच्चा भी तलवार लेके घूम रहा है, उन्हें बाबर किधर है, आवाज लगा, बाबर बाहर निकल। अब वो बच्चे कौन समझाए कि बाबर अगर आ गया ना तो डायपर भी नहीं संभाल पाएगा, दिक्कत ही हो जाएगी, क्या मतलब टेंशन, ठीक है ना। फिर भी बाबर ने बोला चलो जिस देश की जनता ने विद्रोह कर दिया उस देश में रहने से कोई मतलब नहीं है, ये वापस कहाँ आ गया है? काबुल आ गया। देखो बाबर ने बहुत अच्छा काम किया, बाबर चाहता तो सीधे ईरान जाता और शाह इस्माइल को मार देता, शाह इस्माइल को मार के पिक्चर खत्म कर देता वो, और बता देता कि भैया मैं सिया के कठपुतली नहीं हूँ, अपना खुद का शासक है। मगर नहीं, उसने युद्ध करना उचित नहीं समझा क्योंकि संधि कर चुका था वो। तो सीधे वहां से वापस कहाँ गया वो? काबुल आ गया। बाबर अभी कहाँ पे है? काबुल में, ठीक है। बाबर काबुल में है। भारत की राजनीति अपने को पता है कि भारत में जो है इस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली, महमूद लोदी बंगाल, मेदनी राय चंदेरी, राणा सांगा राजस्थान, ठीक है ना। महमूद लोदी सॉरी आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, दौलत खां और आलम खां, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी कहाँ पे? पंजाब में। ये भारत की इस समय स्थिति थी कि ये तो इसकी राजधानी हो गई थी। दिल्ली में इब्राहिम लोधी बैठा था, बंगाल में महमूद लोधी, चंदेरी में मेदनी राय, राजस्थान में राणा सांगा बैठा था और पंजाब में दौलत खां आलम खां लोधी। लोधी वंश का इस समय ये कंडीशन थी कि इनकी आपस में नहीं बन रही है, चाचा इब्राहिम लोधी से खुश नहीं है, भाई इससे खुश नहीं है। तो भाई जो है वो राणा सांगा से जाके मिल गया है, महमूद लोधी जो किससे आके मिल गया है? राणा सांगा से, ठीक है ना। मेदनी राय राणा सांगा से पहले से अटैचमेंट है, फेसबुक फ्रेंड है ये दोनों, ठीक है ना। इसकी टेलीग्राम पे बात चल रही है, हाँ इसकी टेलीग्राम पर ये फेसबुक फ्रेंड है दोनों, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपस में तीनों कनेक्टेड है, मैं बंगाल का साथ साथ चंदेरी का, राजस्थान का, महमूद लोधी, मेदनी राय, राणा सांगा, तीनों आपस में इनकी चर्चा चल रही है, एक ग्रुप बना हुआ चलती रहती बात, ठीक है। इब्राहिम लोधी की ना इससे बातचीत चल रही है, न चाचा से बातचीत चल रही है, ठीक है ना। तो चाचा क्या करते हैं, बताया था मैंने कि दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, इनको काबुल के शासक के बारे में अर्थात बाबर के बारे में पता है कि बाबर जो है वो एक जगह रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबर ने अपनी खुद की पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? तुजुक ए बाबरी, बाबर अपनी खुद की पुस्तक लिख रहा है, बहुत अच्छा राइटर था मेरे जैसा वो, तो बहुत अच्छा लेखक था ये। उसने अपनी खुद की पुस्तक में बताया है
कि मैंने अपने जीवन में एक जगह पे दो रमजान के त्योहार नहीं बनाए। क्या बोलता वो कि मैंने अपने जीवन में, अब उसकी पुस्तक में बता रहा है कि मैंने अपने जीवन में एक जगह पे दो रमजान के त्योहार नहीं बनाए। कैसे? जैसे कि दिवाली जो है एक साल में कितनी बार आती है? एक बार, ठीक है ना। तो एक साल खत्म होगा जब फिर एक बार और आएगी, ठीक है ना। मतलब एक साल ऐसा रमजान भी चलता है कि रमजान भी एक साल में कितनी बार आएगा? एक बार, ठीक है ना। तो ये बोलने का मतलब था कि मैंने कभी भी एक जगह पे एक साल से ज्यादा शासन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अपन देखते भटक रहा है, पहले बार उसने 100 दिन शासन किया, फिर जंगल में आ गया, फिर वापस आक्रमण करने गया, फिर 8 माह शासन किया, फिर वापस आ गया, फिर काबुल चले गया, फिर वापस आ गया, फिर उसको दुर्गढ़ राजनीति पता लगी, फिर चले गया, फिर विद्रोह हुआ, फिर वापस आ गया। तो एक जगह पे ये नहीं रहा एक साल से ज्यादा, ठीक है ना। तो उसी खुद की पुस्तक में बोलता है, तो इसी बात का फायदा जो है वो दौलत खा लोदी और आलम खा लोदी उठा रहे हैं। दौलत खा लोदी, आलम खा लोदी सीधे काबुल जाते हैं और बाबर से मिलते हैं। बाबर से मिलने गए, उनने कहा हमारे भारत की राजनीति जो है इस समय राजनीतिक स्थिति दुर्बल है, सारे शासक स्वतंत्र हो रहे हैं अपने आप में, आप चाहो तो भारत विजय कर सकते हो, ठीक है। और बाबर जो है अपने को पता है कि अपने छोटे से राज्य को लेके पहले से असंतुष्ट था, तो उसने भारत आने का फैसला किया। हालांकि भारत आने से पहले वो पंजाब में आके रुका था, 4 बार आक्रमण किया था उसने, तो पंजाब में आके रुका था। पंजाब में क्यों रुका? क्योंकि पंजाब में इस समय कौन है? दौलत खलोदी और आलम खलोदी। उसने दिल्ली पे आक्रमण से पहले पंजाब आके रुका। जैसे ही पंजाब आया वो, तो राजस्थान के शासक राणा सांगा को पता चल गया कि बाबर जो है वो भारत विजय करने आया है और ये एक जगह रुकता नहीं है, हो सकता कि इससे अपन दोस्ती कर ले तो भारत का साम्राज्य अपना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इसके दोस्त थे पहले से राणा सांगा के, ये इसको मार देगा तो ये पूरा कब्जा अपना हो जाएगा, ठीक है। ये राणा सांगा की प्लानिंग थी। तो राणा सांगा सीधे बाबर के पास जाता है और बोलता है छोटे कोई दिक्कत हो तो बता देना। किससे बोल रहा है? बाबर से। बाबर बोल रहा है, बोले तू मेरे से छोटे बोल रहा है, तो कभी मेरा इतिहास नहीं पता मैंने क्या क्या करे उधर। राणा सांगा ने फिर भी आश्वासन दे दिया, बोले छोटे भारत में कोई दिक्कत हो तो बता देना, अपन अपनी सेना पहुंचा देंगे पूरी। अब राणा सांगा ने अपनी सेना पहुंचाने का आश्वासन दे दिया किसको? बाबर को। दौलत खलोदी, आलम खलोदी बोल रहे हैं, बोले कि हम आपके सपोर्ट में, ठीक है आप आक्रमण करो। तो बाबर सीधे दिल्ली जाता है, नहीं दिल्ली नहीं, अभी पहले पानीपत, पंजाब के पास, नाम सुना होगा पानीपत सोनीपत, पंजाब जाते हैं तो पंजाब से पहले ही पढ़ते हैं पानीपत और सोनीपत दोनों, ठीक है ना। तो पानीपत के मैदान में जाते हैं ये, ठीक है ना, और पानीपत के मैदान में पूरी सेना को यहाँ खड़ा कर दिया। अब देखो ये मान लो बाबर की सेना है, अब इधर से इब्राहिम लोदी को पता लगा तो इधर से इब्राहिम भी चले गए पूरी सेना लेके, ये पूरी सेना लेके चले गया, बाबर पूरी सेना लेके चले गया। मगर इब्राहिम लोदी की सेना इतनी बड़ी है कि मान लो 40,000 तो पैदल सेना है, 2,000 घुड़सवार हैं, 1,000 हाथी वाले हैं, इस प्रकार से इसके पास पूरी सेना है। और बाबर के पास टोटल सेना 8,000, टोटल सेना कितनी थी? 8,000 थी बाबर के पास, और इसका टोटल सेना अगर अपन गिने तो लगभग 60,000 थी। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक तरफ 8,000 सैनिक, एक तरफ 60,000 सैनिक, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? क्यों जीतेगा? एक तरफ 8,000 सैनिक है, एक तरफ 60,000 सैनिक है, फिर भी बाबर जीत जाता है। क्यों? क्योंकि नेतृत्व करने वाले में ताकत होती है, ठीक है ना। देखो हुआ क्या कि बाबर ने पहली बार बंदूक चलाना सीख गया है, बाबर ईरानियों से बंदूक चलाने की कला सीख ली है, तो खाना लेके आया अपने साथ, ठीक है ना। तो जब सैनिक खड़े होते हैं तो अपन देखते हैं ना कि जब सेना खड़ी होती है तो पूरी आगे हाथी रहते हैं, फिर घोड़े रहते हैं, फिर उसके बाद पैदल सेना रहती है ऐसा करके, ठीक है ना। तो पूरी सेना खड़ी है, हालांकि 3 दिन तक दोनों आमने सामने। इब्राहिम बोलता बोले हम सुल्तान हैं, हम पहले आक्रमण क्यों करें? बाबर बोलता हम तो मेहमान हैं, पहले आक्रमण तुम करो। दोनों एक दूसरे का रास्ता देख रहा 3 दिन तक खड़े रहे। चौथे दिन बाबर ने बोला कि अब कोई मतलब नहीं, जो गजनी से लेके आए वो भी खत्म होने वाली है, नसे उतर जाएगा, युद्ध कौन करेगा फिर। सुबह सुबह इनने बोला बोले आक्रमण, और इधर से जैसे ही एक तोप का गोला छोड़ा, जो हाथी होते वो साउंड आता ना, ठीक है ना,
तो तोप का साउंड सुन के वापस पीछे भाग गए। अब पीछे भागे तो पीछे सेना किसकी थी? इब्राहिम लोदी की। खुद के हाथी और खुद के घोड़े ने पूरी सेना को रौंद डाला। मतलब इब्राहिम लोदी की सेना ने ही उसके खुद के हाथी और घोड़े ने खुद की सेना का मंजा सूद दिया। बाबर जीत गया। बाबर ने इसीलिए अपन बोलते हैं कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 1526। याद रखना कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ और इसमें कौन जीत गया था? बाबर जीत गया था। ठीक है, अब यह पूरा कब्जा कर लिया इसने। अब जैसे ही दिल्ली पानीपत से दिल्ली गया तो दिल्ली और आगरा की जनता ने गेट बंद कर दिए अपने घर के, उन्हें कोई मतलब नहीं। जैसे दिल्ली जाता है वो, क्योंकि उनकी इस समय पूरा शासन ही चल रहा था, दिल्ली जाता है तो दिल्ली की जनता ने गेट बंद कर दिए हैं, विरोध किया है कि भैया कोई दूसरा शासक यहाँ पे कैसे शासन करेगा। इसलिए बाबर दिल्ली न रुक के सीधे कहाँ गया? आगरा। आगरा में गया और आगरा में आराम बाग, अपन ने पढ़ा था आगरा की स्थापना जो है वो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना 1503 में की थी। तो इसमें एक आराम बाग था, बाबर यहाँ पे आके रुक गया है। उनने कहा चलो एक युद्ध जीता अपन ने, भारत पे अपना कब्जा हुआ। अब बाबर ने फैसला कर लिया है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, भारत बहुत बड़ा साम्राज्य है, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है ना। तो राणा सांगा और दौलत खां लोदी दोनों के दिल के अरमा आंसू में बह गए। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि बाबर आएगा और चले जाएगा, मगर उनको कौन बता कि बाबर ने इस बार गजनी से ड्रम भरवा के लेके आया है अपने लिए, 4 से ड्रम इकट्ठे लेके आया, कोई दिक्कत नहीं। जब बाबर आगरा के आराम बाग में आराम कर रहा था तब उसको ध्यान आया कि जब मैं पंजाब में था तब राजस्थान के शासक राणा सांगा ने आश्वासन दिया था कि युद्ध के समय मैं सेना पहुंचाऊंगा, मगर जब मेरा युद्ध हुआ तो राणा सांगा की सेना गई क्या? नहीं गई। मतलब अगर मैं जीत गया तो ये दोस्त थे और मैं हार जाता तो ये इधर दोस्त बन जाता, मतलब इनने दगा किया मेरे साथ। ठीक है ना। कौन बोल रहा है? बाबर। उनने कहा चलो इसको भी देख लो। तो अब ये आराम बाग से निकल के, आगरा के आराम बाग से निकल के अब यह राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। राणा सांगा को पता लग गया कि बाबर आक्रमण करने आ रहा है, राणा सांगा भी राजस्थान से निकल गया। ठीक है ना। देखो जब ये आगे निकला तो इन दोनों के बीच में कौन कौन? बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 खानवा का युद्ध, राजस्थान से 30 किलोमीटर दूर है, खानवा नामक स्थान है। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हो रहा है। अब कारण क्या था कि राणा सांगा ने आश्वासन दिया था और वह आश्वासन को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए बाबर इस पर आक्रमण करने आ गया है। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हो रहा है और इसमें राणा सांगा बुरी तरह से परास्त हो गया है। कौन जीत गया फिर से? बाबर। मगर जब खानवा का युद्ध हो रहा था तो इस समय मेदनी राव और महमूद लोदी ये राणा सांगा के साथ थे। क्यों? क्योंकि ये एक ही साथ के थे, पता नहीं इनकी दोस्ती थी। ठीक है, तो ये एक ही सेना में थे मेदनी राव और महमूद लोदी, ये सारे के सारे राणा सांगा के साथ थे। मगर जब खानवा का युद्ध हुआ तो बाबर ने राजपूतों की ऐसी धुनाई करी है, इस कदर मारा राजपूतों को कि 1,00,000 राजपूतों की गर्दन काट के मीनार बनवा दी। मीनार बनती है ना कुतुब मीनार टाइप के, 1,00,000 गर्दन एक के ऊपर एक रख दी और मीनार बनवा दी और यहीं पे गाजी की उपाधि धारण कर ली। बाबर ने कौन सी उपाधि धारण कर ली? गाजी की। 1,00,000 राजपूतों की गर्दन कटवा दी और गर्दन कटवा के उसने मीनार बनवा दी और गाजी की उपाधि धारण कर ली और युद्ध जीत के वापस कहां पे? आगरा। दो युद्ध हो गए हैं, पानीपत का पहला युद्ध हो गया है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर जीत गया है 1526। दूसरा खानवा का युद्ध राणा सांगा बाबर के बीच में, जिसमें राणा सांगा हार गया, बाबर जीत गया, खानवा का युद्ध 1527। बाबर आया फिर वही हल्का नशा गजनी चल रहा था, उसको फिर ध्यान आया कि भाई युद्ध करने जाते तो शासक एक रहता युद्ध में, तो मगर यहां तो टोपी 2-3 दिख रही थी, कौन है ये पता करो। जैसे ही पता किया तो भैया एक चंदेरी का शासक मेदनी राय था और एक महमूद लोदी था, ये दो और व्यक्ति थे। उनने कहा तू भी आई जा लपेटे में। बाबर अगला आक्रमण कर रहा है किसके ऊपर? मेदनी राय के ऊपर,
चंदेरी का युद्ध, ठीक है ना। अब बाबर अगला आक्रमण कर रहा है मेदिनी राय के ऊपर, चंदेरी का युद्ध होगा 1528 में। मगर आक्रमण करने से पहले एक रात पहले बाबर की सेना विफल हो गई। बाबर की सेना ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा भैया सेना के अंग भंग हो चुके हैं, कुल 8000 सैनिक तो थे, 8000 सैनिक ने पानीपत का युद्ध भी लड़ लिया है, खानवा का युद्ध भी लड़ लिया है, अब ये युद्ध कैसे लड़ेंगे, आप तो हमको मरवाना चाह रहे हो। 8000 सैनिक थे, कुछ मर गए हैं, कुछ अंग भंग हो गए हैं, बाबर की सेना ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। याद करो यही पिक्चर हुई थी इसके साथ सिकंदर के साथ, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था और सिकंदर मुंह फुला के बैठे रहा और सेना के कहने पे वापस चले गया। मगर ये बाबर है, बाबर को जैसे ही सेना ने विद्रोह किया उन्होंने कहा ठीक है मत करो युद्ध, कोई नहीं जाएगा युद्ध लड़ने, कोई नहीं जाएगा, जितनी शराब लेके आए थे गजनी से सब ड्रम में नमक मिलवा दिया, जब तुम युद्ध नहीं कर सकते तुमको शराब पीने का कोई हक नहीं है, पूरी शराब में नमक डलवा दिया है और तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुमको मैं मार दूंगा। बाबर ने बोला मैं तुमको मार दूंगा, तुम युद्ध नहीं लड़ोगे मैं तुमको मार दूंगा। सैनिकों में जोश न पीने को मिल रहा है न जीने को मिल रहा है, इससे अच्छा युद्ध में लड़ लो। बाबर का भाषण खत्म हो उससे पहले चंदेरी का युद्ध खत्म हो गया। सैनिक बोलते हैं उन्हें चाचा तुम तो यहीं बैठो आराम बाग में आराम करो, अब भी आते हैं। सैनिक पूरे गए और मेदिनी राय को निपटा सुलझा के खत्म। महमूद लोदी भी था इसमें, महमूद लोदी गुटका थूकने के बाद उन्होंने कहा सैनिक आगे मैं पीछे, और मेदिनी राय कहाँ भाग गया, बंगाल। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि बाबर ने किस युद्ध के पहले जिहाद का नारा दिया था, कौन सा नारा, जिहाद का नारा दिया था। तो याद आ रखना आपने को कि चंदेरी के युद्ध के पहले बाबर ने कौन सा नारा दिया था, जिहाद का, इसी को बोलते हैं जिहाद का नारा देना। बाबर का भाषण खत्म नहीं हुआ उससे पहले चंदेरी का युद्ध खत्म हो गया, मेदिनी राय खत्म। अब बाबर की सेना वापस आराम बाग में, क्योंकि अड्डा क्या था अपना आराम बाग, पूरी व्यवस्था आराम बाग में थी। ठीक है, वापस आराम बाग। अब बाबर बोलता उन्होंने कहा दो तो हो गए, वो एक और कौन है गुटका थूकने वाला तीसरा, उन्होंने बंगाल का सजग, उन्होंने कहा चलो इधर बंगाल तरफ आक्रमण। महमूद लोदी को पता लगा कि भैया बाबर इधर भी आ रहा है, उन्होंने ये तो गलत बात है, चलो कोई दिक्कत समझ लेंगे। तो अब चौथा युद्ध हो रहा है 1529 में, 1526 पहला, 27 में दूसरा, 28 में तीसरा और 1529 में चौथा। 1529 में चौथा युद्ध हो रहा है जिसको घग्गर के युद्ध के नाम से जानते हैं। घग्गर का युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में, महमूद खान। महमूद लोदी को भी उन्होंने परास्त कर दिया बाबर ने, और इसी प्रकार से ये चारों युद्ध बाबर जीत गया। कौन कौन से चारों युद्ध अपन हाईलाइट कर लेते हैं, 1526 में पानीपत, कौन कौन के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, कौन, बाबर ही जीत रहा सब में, ठीक है ना। 1527 कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा। 1528 कौन सा, चंदेरी, मेदिनी राय और बाबर, बाबर ही जीता। 1529 घाघरा का युद्ध, गग्गर घाघरा का युद्ध, कौन कौन के बीच है, महमूद लोदी और बाबर, चारों युद्ध कौन जीता है, बाबर। 1526 से 1529 तक चार प्रमुख युद्ध लड़े हैं इसने, ठीक है ना। मगर ऐसा माना जाता है इतिहास में, कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि इसी समय इसका एक लड़का था, एक नहीं इसके चार लड़के थे वैसे, ऐसा मानते हैं कि बाबर की तीन पत्नियां थीं और सवा के एवरेज से चार बच्चे थे, ऐसा मानते हैं कि तीन पत्नियां थी और चार बच्चे थे, इसमें सबसे बड़ा जो था वो कौन था, हुमायूं था, सबसे बड़ा हुमायूं था, और हुमायूं की तबीयत खराब हो जाती 1529 में, सारे वैद्य और हकीम फेल हो जाते हैं, उसकी तबीयत को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो बाबर जो है वो उनके जो भी भगवान थे उनसे बोलता है कि चाहे मैं मर जाऊँ मगर मेरा लड़का ठीक हो जाए। और ऐसा ही होता है कि बाबर की तबीयत खराब होती गई और उसका हुमायूं जो है लड़का वो ठीक होते रहा, तो हुमायूं ठीक हो गया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई।
1530 में बाबर की मृत्यु हो गई है, मगर जब बाबर की मृत्यु हुई तो ये देखना, दिल्ली जीत चुका है, राजस्थान जीत चुका है, चंदेरी जीत लिया, बंगाल जीत लिया, पंजाब पूरा दोस्ती में था, पूरा उत्तर भारत इसी कब्जे में था, मगर ये युद्ध जीतने के बाद वापस कहाँ चले जाता था? आगरा। मतलब कुशल प्रशासक तो था बाबर, मगर उसने MBA नहीं किया था, मैनेजमेंट फेल था उसका, मतलब मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था वो। इसीलिए मैनेजमेंट न करने के कारण जब इसका लड़का हुमायूं शासक बनेगा तो अब सभी दूर विद्रोह होंगे इसके, क्यों? क्योंकि बाबर मर चुका रहेगा। इसीलिए एक लाइन बोलते हैं कि हुमायूं जब शासक बना तो उसको बदले में कांटों का ताज मिला, ठीक है ना। अब बाबर मर गया है और अब इसका अगला शासक जो है वो कौन बन गया है? हुमायूं। मगर बाबर ने कुछ काम ऐसे किए थे कि ऐसा माना जाता है कि अभी तक सुल्तान चल रहे थे, बाबर ने पहली बार बादशाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? बादशाह की। सुल्तान उल्तान राजा आजा कुछ भी नहीं होना, सबसे बड़े हम ही हैं और क्या है हम? बादशाह। सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था बाबर। ऐसा माना जाता है कि भारत की प्रमुख नदियां जो जो थी सभी नदियों को तैर के पार किया भारत बाबर ने, सारी नदियों को तैर के पार किया। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि बाबर ने उत्तर प्रदेश, अभी वर्तमान अयोध्या एक विवाद चल रहा था ना, खत्म हो गया। ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था, ठीक है ना। और अपन ऐसा मानते थे कि वहां पे क्या है? राम मंदिर है, ठीक है ना। और वह हकीकत है, कोर्ट ने ये मान लिया, ठीक है ना। अब अपने को क्या दुनिया को दिख रही है कि बादशाह बाबर जो है वो भारत का रहने वाला है क्या? फरगाना से आया है, तो इसकी कहाँ से जमीन आई है? कुछ ना कुछ होगा, इतिहास खुद बोलता है, ठीक है ना। तो इसके कुछ इसे प्रमुख कार्य थे, ठीक है। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई है। अब इसके बाद इसका लड़का जो है वो कौन शासक बन रहा है? हुमायूं। कल पढ़ेंगे अपन हुमायूं, आज के लिए इतना ही।